क्या आप खेसारी लाल यादव की दूसरी पत्नी से मिलना चाहेंगे? जी हाँ, हम सही कह रहे हैं। अगर आप खेसारी लाल यादव की दूसरी पत्नी से मिलना चाहते हैं तो हम आपको मिलवा देते हैं। वो कोई और नहीं, स्मृति सिन्हा है। अब आप ये कहेंगे, स्मृति सिन्हा से खेसारी लाल यादव ने शादी ही कब की? तो अब हम कहाँ ये कह रहे हैं कि स्मृति सिन्हा से खेसारी लाल यादव ने शादी की है। वो तो भाई स्मृति सिन्हा उनकी ऑन स्क्रीन पत्नी है, ऐसा खेसारी लाल यादव कई इंटरव्यू में कबूल कर चुके हैं। खेसारी कहते हैं कि लोग स्मृति सिन्हा को उनकी पत्नी समझ बैठते हैं। फिर खेसारी लाल यादव दर्शकों को समझाते हैं कि भाई स्मृति सिन्हा उनकी पर्दे वाली पत्नी है और रियल लाइफ में तो चंदा यादव से उनकी कब की शादी हो चुकी है। इंडस्ट्री में आने से पहले ही चंदा यादव से उन्होंने शादी कर ली थी। बड़े कम उम्र में इन दोनों की शादी हो गई और अब उनका हंसता खेलता एक परिवार भी है। लेकिन दर्शक हैं कि स्मृति सिन्हा को ही खेसारी लाल यादव की वो पत्नी समझते हैं, इसलिए अब खेसारी लाल यादव कई इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि स्मृति सिन्हा उनकी सिनेमा वाली पत्नी है, या यूँ कह लें कि स्मृति सिन्हा सिनेमा पर उनकी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी का दर्जा वो हमेशा चंदा यादव को ही देंगे क्योंकि शादी तो उनकी चंदा यादव से ही हुई है। ऐसे खेसारी लाल यादव दर्शकों को अपना भगवान मानते हैं, इसलिए दर्शक जो समझे उनके लिए वो सारी चीजें वो बड़े ही प्यार से स्पष्ट करते हैं। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के उन स्टार्स में से हैं जिनके बारे में भोजपुरिया दर्शक हर एक खबर जानना चाहते हैं और उनके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि खेसारी और स्मृति पति पत्नी हैं, तो भाई आपको हम क्लियर कर देते हैं कि खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा यादव हैं। स्मृति सिन्हा ने तो उनके साथ फिल्म साजन चले ससुराल में इस तरह काम किया था, इन दोनों की केमिस्ट्री इस तरह की थी कि आज भी पब्लिक उन्हें पति पत्नी ही समझती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।